Hello everyone, my name is Prasenjit Rai. Welcome to our Data Community YouTube Tech channel. So let's talk about crypto today. आखिर ये क्रिप्टो क्या है और ये क्रिप्टो किस तरह से काम करती है और दुनिया में ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है ये आखिर है क्या. दुनिया में आप लोगों को 17,000 के आसपास क्रिप्टो देखने को मिल जाती है और 450 के आसपास क्रिप्टो एक्सचेंजेस देखने को मिल जाती है. तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है, जिस तरह से हम लोगों को इंडिया में INR मतलब इंडियन रुपीस करेंसी देखने को मिल जाती है, USA में USD करेंसी देखने को मिल जाती है, जो एक तरह की पेपर करेंसी होती है. और इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी होती है जो डिजिटली ऑपरेट होती है. ये क्रिप्टो करेंसी आप लोगों की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल जाती है. अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंपली भाषा में समझाया जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक चेन होती है, जो ब्लॉक्स की चेन होती है. अब यहाँ पर हर एक ब्लॉक्स में तीन चीज़ें होती है. एक डेटा होती है, जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको डेटा समझ लीजिए. एक उस ब्लॉक की मतलब हर एक ब्लॉक की एक यूनिक हैश कोड होती है और हर एक ब्लॉक में उसकी जो प्रीवियस ब्लॉक है उसकी प्रीवियस हैश कोड होती है. तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है. अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप डेटा को मैनिपुलेशन करती है तो उसकी जो यूनिक कोड होती है वो चेंजेस हो जाती है, जिसके चलते आगे वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ उसकी प्रीवियस जो हैश होती है वो मैच नहीं होती है. तो एक मिसमैच क्रिएट हो जाती है जिससे ये पता चल जाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है. और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये टोटली डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है. अब सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को समझें तो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता ही होगी, जिस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन होती है, वहाँ से जो एडमिन वगैरह होती है वही से डेटा को देख सकती है, डेटा को एडिट कर सकते हैं, वही से कर सकते हैं. लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होती है. डिसेंट्रलाइज में हर एक बहुत सारी कंप्यूटर अपने आपस में कनेक्टेड होती है और यहाँ पर कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं होती है. यहाँ पर हर कोई अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह देख सकती है. मतलब एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 2009 में एक एनोनिमस पर्सन थी जो उसको आप लोग हर कोई जानता है, जो संतोषी नाकामोटो, जिसने बिटकॉइन मतलब इन वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को लोगों के सामने लाया था और आगे चल के ये क्रिप्टो करेंसी इतना बड़ा बन चुका है. अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात ही कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ी जो वर्ड है वो है Web 3.0. ये क्या है ये भी आप लोगों को समझाते हैं. जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था तब Web 1.0 था, जिसमें हम लोग बस रीड मतलब जो यूजर होती है वो बस रीड कर सकते थे. अगर किसी को भी कुछ भी राइट मतलब कुछ भी लिखना होता था तो वो टोटली एक वेब पेज बनाना पड़ता था, जिसके चलते वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया था. उसके बाद जब Web 2.0 आया, इसमें बड़ी रिवोल्यूशनरी ये थी कि ये इसमें आप लोग राइट कर सकते थे, मतलब यूजर जाके खुद कुछ भी लिख सकता था. इसके लिए उसको वेबसाइट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिस तरह से आप लोग ट्विटर वगैरह में जाके फेसबुक वगैरह में जाके कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से. और ये जो Web 1.0 थी और Web 2.0 थी ये एक मॉडल पे काम करती है, मतलब सर्वर और क्लाइंट मॉडल. मतलब क्लाइंट कुछ भी सर्वर के पास कुछ भी डेटा रिक्वेस्ट करती है और वो सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उस क्लाइंट को डेटा पहुंचाता है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने सर्वर को हैक कर लिया और गलत डेटा क्लाइंट को पहुंचाया तो क्लाइंट के पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डेटा मतलब दूसरा जो करेक्ट डेटा है वो उसे मिले. तो ये एक बड़ी इशू बन गई थी और जिसको अब जो नए आए हैं वो है Web 3.0, बहुत रेवोल्यूशनरी के साथ आया है. इसमें क्या होता है कि इसमें डिसेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर काम करती है. मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट और सर्वर होती है, इसमें हर कोई सर्वर होते हैं, हर कोई क्लाइंट भी होती है. मतलब हर कोई क्लाइंट की एक सब सिस्टम होती है, वहाँ पर डेटा वगैरह स्टोर होती है और वहाँ से कोई एक्सेस कर सकती है. इसमें दो चीज़ें यूजर को देखने को मिल जाती है, वो है कि डिसेंट्रलाइज और दूसरा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. क्योंकि इसमें अगर किसी भी सब सिस्टम में कुछ भी डेटा गड़बड़ हुई है तो दूसरे सब सिस्टम से ये पता चल जाती है कि इसमें डेटा गड़बड़ हुई है, ये इजिली पता चल जाती है. और NFT क्या होती है? NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स. अब यहाँ पर अगर समझते हैं कि पहले फंजिबल क्या होती है, उसके बाद आती है नॉन फंजिबल क्या होती है. फंजिबल वो होती है जो सिमिलर वैल्यूज की कुछ प्रोडक्ट्स होती है, जैसे आपके पास कुछ सिमिलर वैल्यूज है लेकिन जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं. सपोज मेरे पास 10 रुपये की नोट है, मेरे दोस्त के पास 2-5 रुपये की नोट है, मैं 10 रुपये के नोट उसको दे सकता हूँ और 2-5 रुपये के नोट मैं ले सकता हूँ. तो इससे क्या होती है कि मैंने एक्सचेंज किया चीज़ों को लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो सिमिलर होती है, तो ये होती है फंजिबल. नॉन फंजिबल क्या होती है? जो वैल्यूज सेम होती है, सिमिलर होती है ऑलमोस्ट, लेकिन वो एक्सचेंजेबल नहीं होती है. जिस तरह से रियल एस्टेट होती है, आपके पास 2 घर है, मतलब आपके मेरे पास एक घर है जो 2 बेडरूम वाला, आपके पास एक घर है जो 1 बेडरूम वाला. अब ये तो एक्सचेंजेबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है,
या तो फिर बोल सकते हैं कि कुछ कार उठा के ले सकते हैं, एक ऑडी की कार ले सकते हैं, दूसरा होंडा का कार ले सकते हैं। तो कार है ऑलमोस्ट वैल्यू जो चीज़ है वो कार है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो सिमिलर नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक्सचेंजेबल नहीं है। अब यहाँ पर एनएफटी क्या होती है, इसमें टोकन्स क्या होती है, टोकन्स वो होती है जिस तरह से ऐसा समझो कि इथेरियम होती है, इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, खुद की ब्लॉकचेन है, और उसकी नेटिव कॉइन है इथर, जिसको एक क्रिप्टो करेंसी है जो ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है। ठीक उसी तरीके से दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसी होती है जिस तरह से टोकन्स होती है, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी पर बेस ऊपर होगा और सिमिलर फंक्शन करेगा, जो इथर फंक्शन करता है उसी तरीके से वो भी फंक्शन करती है, लेकिन वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है, उसका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं है। जिस तरह से बेसिक अटेंशन टोकन हो गया, ये एक तरीके से टोकन है। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है कि इससे पहले मतलब जब एनएफटी नहीं थी तब इससे पहले कोई भी जब डिजिटल एसेट होती थी, सपोज आपने फोटोशॉप में एडोब फोटोशॉप में कुछ भी पिक्चर बनाया और उस पिक्चर को कहीं पर पोस्ट किया तो उससे लोग कार्ड कॉपी पेस्ट किया तो उसकी जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वो डाउन हो जाती है। लेकिन एनएफटी में, एनएफटी के आने के बाद आप क्या किए, आप एक पिक्चर डिजिटल एसेट बनाया, जैसे पिक्चर वो बनाया आपने एडोब फोटोशॉप में, उसके बाद उसके साथ एक आईडी लगा के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको बेच दिया आपने। सपोज आपकी जो प्रिंट फोटोज है उस पिक्चर और एक आईडी लगा के दिया, जैसे आईडी का नाम हो वन, तो एक जो एनएफटी हुआ पिक्चर वन, उसके बाद सिमिलरली पिक्चर टू, पिक्चर थ्री। अब जो पिक्चर वन है, पिक्चर टू है और पिक्चर थ्री है, ये सिमिलर है लेकिन ये एक्सचेंजेबल नहीं है, कि मतलब ये सिमिलर होके भी सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से एनएफटी काम करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटावर्स की, मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है मतलब जो वर्चुअली वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको एक दोनों को एक तरह के साथ जोड़ देना। जिस तरह से हम लोग एयर हैंडसेट या फिर वीआर हैंडसेट पढ़ के वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है, उसी तरीके से ये मतलब एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को जोड़ने का काम ही करती है मेटावर्स। तो फाइनली लॉट चलते हैं हम लोगों की क्रिप्टो करेंसी की टॉपिक के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी में जो टाइप्स होती है, क्रिप्टो की जो टाइप्स होती है वो है कुछ मेन जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के ऊपर कुछ कॉइन्स बनाया गया है जो है अल्टर कॉइन, जो ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन के साथ काम करती है, जिस तरह से बिटकॉइन काम करती है उस तरीके से काम करती है। मतलब जैसे इथेरियम हो गया, आपका बाइनेंस कॉइन हो गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया। अब उसके बाद आती है मीम्स कॉइन, जो मीम्स के लिए बनाया गया है, जो मीम्स वगैरह पोस्ट करते हैं उसके लिए बनाया गया है। उसके बाद आती है शीट कॉइन, जिसका कोई भी कुछ भी फंक्शन नहीं है, जस्ट मन किया बना के छोड़ दिया, ये होती है शीट कॉइन। तो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, इस तरह से मार्केट ये सब होती है। तो देखते हैं हम लोग कि सन क्रिप्टो में आप लोग किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या होती है, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सन क्रिप्टो खोल लिया है। इसमें आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर से, या तो फिर आपको रजिस्टर करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगी, क्योंकि मैंने लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ओटीपी आ जाएगी मोबाइल नंबर पे। उसके बाद मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगी वो आप लोगों को एंटर करना है। उसके बाद जो ओटीपी ईमेल वेरिफिकेशन होगी उसमें भी आप लोगों को गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करने के बाद ईमेल पे भी ओटीपी आ जाएगी। तो देखते लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन हो चुकी है और ये सन क्रिप्टो खुल गया है। तो इसमें होम, पोर्टफोलियो, मार्केट, अकाउंट्स आप देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को पहले केवाईसी कर लेनी है, मेरा केवाईसी ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों को जाना है यहाँ पर इनवाइट एंड अर्न पे, देख सकते हैं आप लोगों को इनवाइट करके 50 रुपये की बिटकॉइन कमा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप लोग जाके अपनी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने इको बैंक की अकाउंट को ऐड करके रखा है। उसके बाद आप लोग होम पे आके देख सकते हैं, मार्केट पे जाके देख सकते हैं। मार्केट पे यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे कॉइन ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मोस्ट जिस के लिए मैं सन क्रिप्टो यूज़ करता हूँ वो है, यहाँ पर मुझे सारे के सारे मीम्स कॉइन वगैरह देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट सारे के सारे मीम्स कॉइन देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। इथेरियम वगैरह भी देखने को मिल जाती है, बाइनेंस वगैरह भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा कितना कौन से कॉइन पे इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि शिबा में करके रखा है, शिबा में करके रखा है। आप सपोज मैं मुझको शिबा बेचना है तो मुझे इस मार्केट पे जाना पड़ेगा। सपोज मैंने मार्केट पे गया, मार्केट के जाने के बाद मैंने शिबा सर्च किया, शिबा को सर्च करने के बाद मैंने शिबा के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे सेल पे क्लिक करना है।
सेल पे क्लिक करके मुझे 100% करना है तो मैंने पे करना है। उसके बाद मेरा जो एम पिन वगैरह होगी उसको मुझे एम पिन वगैरह डालना है। सपोज मेरा जो एम पिन है वो मैंने डाला, ये देख सकते हैं मेरे की सेल हो चुका है। तो या इसके बाद मुझे पोर्टोफोलियो में आते हैं। पोर्टोफोलियो में आने के बाद देख सकते हैं कि मेरा INR पे 140 रुपये आ गया है ऑलमोस्ट। अब फिर से मुझे सिवा खरीदना है। सपोज मुझे सिवा कॉइन खरीदना है तो मुझे मार्केट में जाके सिवा सर्च करने के बाद फिर से आप लोगों को सिवा क्लिक करना पड़ेगा। सपोज मैंने सिवा सर्च किया, सिवा खुला, अब मैंने बाय करना है। सपोज मैंने बाय पे क्लिक किया तो मुझे 140 रुपये बैलेंस हो, मैंने 100% किया, मैंने पे किया, उसके बाद मैंने पिन डाला, उसके बाद ये सक्सेस हो गया। तो आप फिर से पोर्टोफोलियो में जाके देख सकते हैं कि मेरे पास 140 रुपये का शिबा आ चुकी है। इसी तरीके से आप लोग कॉइन बाय और सेल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर INR डिपॉजिट की बात भी करें तो ये भी बहुत ईजी है। और यहाँ पर मार्केट में आप लोगों की जो सारे के सारे कॉइन देखने को मिल जाए, मीम्स कॉइन देखने को मिल जाती है, जैसे आप लोगों की यहाँ पर फ्लॉकी इनो देखने को मिल जाती है जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है, मीम क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद आप लोगों को बेबी डॉज देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर साइतामा कॉइन भी देखने को मिल जाती है जो टॉप मीम्स क्रिप्टो करेंसी भी होती है। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर पेंच केक देखने को मिल जाती है। उसके बाद शिवा देखने को मिल जाती है आप लोगों की यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डॉग एलन कॉइन भी देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर योशी कॉइन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को S7 भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को बाइनेंस कॉइन, बीट कॉइन भी देखने को मिल जाती है, बीट टॉरेंट भी देखने को मिल जाती है। सपोज मुझे कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है तो मुझे विड्रॉ क्लिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जितने अमाउंट है वो अमाउंट मुझे डालना है होगा यहाँ पर। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अमाउंट इंस्टेंटली विड्रॉ हो जाएगी। डिपॉजिट में भी सेम है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको तीन देखने को मिल जाएगी UPI ट्रांसफर है। UPI ट्रांसफर पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक वर्चुअल ID देखने को मिल जाएगा इसमें पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है, वो आपकी अमाउंट पे आ जाएगी। या तो फिर आप पेमेंट गेटवे MobiKwik पे भी यूज़ कर सकते हैं। MobiKwik पे फ़ायदा ये टैक्स कटता है तो आप, मैं सलाह ये दूंगा कि MobiKwik यूज़ नहीं कीजिए। तो MobiKwik पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का पेमेंट गेटवे खुलेगा। तो पेमेंट गेटवे पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद MobiKwik पे क्लिक कीजिए और पे कीजिए तो पे हो जाएगा। तो रिटर्न आते हैं आप सन क्रिप्टो पे फिर से। तो यही थी सन क्रिप्टो गाइस। आई होप आप लोग सन क्रिप्टो में जाके एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपडेट पिन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। फॉरगेट पिन हो जाती है तो वो भी देख सकते हैं। या तो फिर आप लोगों को पासवर्ड अपडेट करनी है तो पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। तो यही थी गाइस सन क्रिप्टो। तो यही थी सन क्रिप्टो। अगर आपको सन क्रिप्टो की जो सोशल साइट है उसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की लिंक डाल दूंगा। आप वो उस लिंक पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।